नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत दौरे पर आए अपने ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन से रक्षा, व्यापार और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और विस्तार देने के लिए विस्तृत चर्चा की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन ने नई दिल्ली में वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के रास्तों के बारे में चर्चा की है। अलवर के रायगढ़ में मास्टर प्लान के तहत 250 से 300 साल पुराने 3 मंदिरों को ध्वस्त किया गया। हिंदू संगठनों ने इसकी शिकायत पुलिस को की है। इस मामले में अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई। ध्वस्तीकरण ड्राइव में देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित होने से लोग नाराज और परेशान हैं। इसके विरोध में लामबंद हुए लोगों को पुलिस ने बलपूर्वक साइट से हटाया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसक झड़प के बाद बिहार का भी सियासी पारा गर्म है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लगातार इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से NRC के पक्ष में आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि देश में NRC कानून मजबूती से लागू होना चाहिए। पूरी दुनिया के प्रत्येक देश में नागरिकों के लिए पहचान पत्र है और ये भारत में भी होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के बाहरी इलाके में शुक्रवार तड़के सेना के शिविर के समीप उग्रवादियों के CISF की एक बस को निशाना बनाए जाने के बाद अर्धसैन्य बल का एक जवान शहीद हो गया, वहीं 9 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। हमले के बाद मुठभेड़ जारी है। जम्मू जोन के ADGP मुकेश सिंह ने कहा है कि जान गंवाने वाले आतंकी फियादीन हमलावर थे। मुठभेड़ स्थल से 2 AK-47 राइफल, हथियार, गोला बारूद, सैटेलाइट फोन और कई अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन अभी जारी है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांबा जिले के निर्धारित दौरे से 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुंजवान में मुठभेड़ हुई। बिहार के भोजपुर में शनिवार को पाकिस्तान का रिकॉर्ड टूट सकता है। 23 अप्रैल को जगदीशपुर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव कार्यक्रम में 75,000 राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाएंगे। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। भाजपा नेताओं का दावा है कि करीब 57,000 पाकिस्तानी झंडा एक साथ लहराने का वर्ष 2014 का विश्व रिकॉर्ड 8 साल बाद टूटेगा। कांग्रेस ने शुक्रवार को उद्योगपति नवीन जिंदल के परिसर पर ED की छापेमारी को चुड़ैल का शिकार करार दिया है। साथ ही आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार के नेतृत्व में एक पुलिस राज्य में तब्दील हो गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को विदेशी मुद्रा नियमों के कथित उल्लंघन से जुड़ी जांच के सिलसिले में जिंदल की कंपनी JSPL के परिसर की तलाशी ली। कांग्रेस महासचिव और मुख्य प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि ED का कांग्रेस नेता और प्रमुख उद्योगपति नवीन जिंदल के परिसर में छापा साबित करने के लिए काफी है और भारत एक पुलिस राज्य में बन गया है। सभी श्रद्धालु बिना डर के अमरनाथ यात्रा पर आए, इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था 5 लेयर में होगी। सुरक्षा के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 300 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की जाएंगी। इसके अलावा सेना की 10 से 15 कंपनियां भी यात्रा मार्गों पर तैनात रहेगी। कश्मीर में पहले से मौजूद सुरक्षा बल आतंकरोधी अभियान चलाएंगे ताकि किसी भी तरीके की परेशानी न हो और किसी भी तरह से श्रद्धालु और यात्री मार्गों के आसपास भी कोई न पहुंच सके। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के उत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला से देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अभी शब्द कीर्तन सुनकर जो शांति मिली वो शब्दों में अभिव्यक्त करना मुश्किल है। आज मुझे गुरु को समर्पित स्मारक डाक टिकट और सिक्के के विमोचन का भी सौभाग्य मिला है। मैं इसे हमारे गुरुओं के विशेष कृपा मानता हूँ। तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को फेस मास्क नहीं पहनने वालों पर फिर से जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करने में लोगों को दी गई ढिलाई के बीच ये फैसला लिया गया है। स्टालिन सरकार ने संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि राज्य में इस नियम का सख्ती से पालन किया जाए। मालूम हो कि इससे पहले दिल्ली और पंजाब सरकार ने भी मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। जहांगीरपुरी में जल्द ही हालात सामान्य होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि नेताओं को मस्जिद के पास जाने की अनुमति नहीं है। खास बात यह है कि गुरुवार को जहांगीरपुरी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। दिल्ली पुलिस ने यहां CCTV कैमरा लगा दिए हैं, साथ ही निगरानी के लिए अस्थायी केंद्र भी बना दिया गया है। तमिलनाडु स्थित IIT मद्रास कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। शुक्रवार 22 अप्रैल को IIT मद्रास में 18 और छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये उन 12 छात्र से अलग थे जो इससे पहले कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसी के साथ कैंपस में हाल के संक्रमणों की कुल संख्या 30 हो गई है। हिजाब को लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय जाने वाली 8 मुस्लिम छात्राओं में से कम 2 ने उडुपी जिले में प्रवेश से वंचित होने के बाद अपने दूसरे वर्ष के प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम को परीक्षा नहीं देने का फैसला लिया है। सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किए गए एक वीडियो में 2 छात्राओं रेशम और आलिया अजदी को कॉलेज से दूर जाते हुए देखा गया।
बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ को फैंस उनके दमदार फिजिक और जोरदार डांस मूव्स के लिए पसंद करते हैं। इन दिनों टाइगर अपनी अपकमिंग फिल्म हीरोपंथी 2 के लिए खूब चर्चा में है। फिल्म में टाइगर के साथ तारा सितारिया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी अहम किरदार में नजर आएंगे। इसी बीच हीरोपंथी 2 का नया गाना विसल बजा 2.0 रिलीज हुआ है, जिसमें से एक बार फिर उनकी जोड़ी उनकी डेब्यू फिल्म एक्ट्रेस कीर्ति सैनन के साथ बनी नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में नवाब मलिक को बड़ा झटका लगा है। पीएमएलए के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया गया। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने मलिक की याचिका खारिज कर दी है। नवाब मलिक ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी का नवीनीकरण करना होगा। उन्होंने पंजाब में कांग्रेस की हार के लिए माफिया राज को जिम्मेदार ठहराया है। सिद्धू ने कहा, डंके की चोट पर कहूंगा कि कांग्रेस 5 साल के माफिया राज की वजह से हारी है। मैं इस माफिया राज के खिलाफ लड़ता रहा। यह लड़ाई सिस्टम के खिलाफ थी। कुछ लोगों का धंधा था जो राज्य को दीमक की तरह खा रहे थे, उसमें सीएम भी शामिल थे। नीति आयोग ने गुरुवार को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी अदला बदली नीति का मसौदा जारी किया है। पहले चरण में दिल्ली जैसे 40 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में इसे लागू किया जाएगा। दोपहिया और तिपहिया वाहनों की जरूरत को देखते हुए राज्यों की राजधानियों समेत 5 लाख की आबादी वाले शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद के बीच पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस ने जानकारी दी कि मुंबई में संवेदनशील जगहों की पहचान की जा रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने 3 मई मस्जिदों के पास लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर अल्टीमेटम दिया है। इधर राज्य में गृह विभाग का कहना है कि लाउडस्पीकर का उपयोग केवल अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा। खतरे और कठिन स्थानों पर तैनात सैन्य अफसरों और कर्मियों को अतिरिक्त भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। सेना कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत अफसरों को 10,500 और JCO और जवानों को 6,000 रूपए प्रतिमाह का जोखिम भत्ता प्रदान किया जाएगा। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को एक अदालत ने 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। इससे पहले निर्दलीय विधायक को एक कथित ट्वीट के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायक मेवानी को शाम को अहमदाबाद में गुवाहाटी होते हुए कुक राजहार लाया गया और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 2451 नए मामले सामने आए हैं। खतरे की बात तो यह है कि गुरुवार के मुकाबले कोरोना के केसेस में फिर से बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही गुरुवार लगातार तीसरा ऐसा दिन रहा जब कोरोना के देश में 2000 से ज्यादा मामले सामने आए। इससे पहले गुरुवार को कोरोना के 2380 मामले सामने आए थे, जबकि बुधवार को 267 केस दर्ज किए गए थे। दिल्ली सरकार ने स्कूलों में कोरोना के फैलते प्रकोप को रोकने के लिए आज एक SOP जारी किया है। SOP के अनुसार स्कूलों में क्वारंटीन रूम उपलब्ध होगा। शिक्षक प्रतिदिन छात्रों और उनके परिवार के सदस्यों में कोविड से संबंधित लक्षणों के बारे में पूछताछ करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में आज एक कार्यक्रम में केंद्र सरकार के कामों को गिनाया है। शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने कश्मीरी मुद्दा, वामपंथी उग्रवाद और पूर्वोत्तर में नशीले पदार्थ और सशस्त्र समूह जैसी समस्याओं को बड़ी संजीदगी से हल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को एक और करते हुए महाराष्ट्र सरकार के निर्देश को बरकरार रखा है, जिसमें 63 मुंस टेक्नोलॉजीज की संपत्तियों को अटैच करने का निर्देश दिया गया था। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस साल जनवरी में 63 मुंस टेक्नोलॉजीज की याचिका पर अपने फैसले में पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के ऋण शोधन समाधान को मंजूरी देते हुए दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के कर्जदाताओं को वित्तीय कंपनी के टाले जाने वाले लेन देन के मूल्यांकन पर फिर से विचार करने को कहा था। पृथ्वी दिवस 2022 के मौके पर गूगल ने आकर्षक डूडल बनाया है। साथ ही गूगल की तरफ से कहा गया है कि आज पूरे दिन इस डूडल के साथ बने रहिए, क्योंकि ये पृथ्वी के विभिन्न इलाकों से ली गई तस्वीरों के कुछ घंटों के इंटरवल पर बदलता रहेगा। आज के इस आकर्षक डूडल के पीछे जलवायु परिवर्तन को लेकर जागरूकता फैलाना है। इस आर्टवर्क में गूगल अर्थ और अन्य स्रोतों से ली गई पृथ्वी के विभिन्न इलाकों को दिखाया गया है। इसमें वास्तविक तस्वीरों को लेकर कई GIFs भी बनाए गए हैं। देश में केरल राज्य शिक्षा के साथ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को लेकर शीर्ष पर आ गया है। केरल राज्य में देश में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात है। राज्य में 30 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर्ज किया गया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2017 से 19 की अवधि के लिए भारत का मातृ मृत्यु अनुपात सुधरकर 103 हो गया है। केरल का मातृ मृत्यु अनुपात 42 से गिरकर 30 हो गया है। केरल ने साल 2020 में ही MMR के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य को हासिल कर लिया है।
राजधानी दिल्ली में आज मौसम का मिजाज बदलने वाला है क्योंकि आज बारिश के आसार जताए गए हैं। दिल्ली और आसपास के हिस्सों में मौसम गुरुवार से ही बदला नजर आ रहा है। थोड़ी गर्मी के बाद गुरुवार को एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR और आसपास के क्षेत्रों में आज धूल भरी आंधी चल सकती है। इसके साथ ही गरज के साथ दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश भी हो सकती है। IMD से मिली जानकारी के अनुसार शहर के कई हिस्से शुक्रवार को बारिश से तर हो सकते हैं। सेना के शीर्ष कमांडर का 5 दिवसीय द्विवार्षिक सम्मेलन शुक्रवार को समाप्त हो रहा है। इन 5 दिनों में युद्ध के बदलते स्वरूप और उसके मुकाबले में देश की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई, खासकर हाइब्रिड वॉरफेयर और सूचना युद्ध से निपटने के उपाय पर भी विचार विमर्श किया गया। इस सम्मेलन में सेना में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी फोकस किया गया। भारत सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दे रही है, इसके लिए बाई ग्लोबल मेक इन इंडिया रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ये देश के भीतर विदेशी हथियार प्रणालियों के अधिग्रहण और उनके उत्पादन को सुगम बनाने के लिए रक्षा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया की एक श्रेणी है। साल 2020 में इस श्रेणी को मंजूरी दी गई थी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ समिति ने 5 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल ई के कोर्बोवैक्स कोविड वैक्सीन के प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग की सिफारिश की है। सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। SEC की सिफारिश के बाद अब DCGI प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग को मंजूरी देगी। राष्ट्रीय जनता दल के लिए आज का दिन खास है। एक तरफ पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में जमानत दे दी है, तो दूसरी तरफ नेता बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं। लालू को जमानत मिलने के साथ ही राजद की इफ्तार पार्टी की रंगत में निखार आता दिख रहा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है दीपक कुमार, डीना कुमार, गौतम कुमार, रामबाबू कुमार, श्वेता रॉय, सतीश कुमार, बबलू कुमार, रणधीर कुमार, कहकशा मजहबी, मुक्तेश्वर यादव, आतिक खान। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश भर में कोरोना के मामलों में जारी उतार चढ़ाव के बाद क्या आपके आसपास लोगों ने नियमों का पालन फिर से शुरू कर दिया है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।